अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत यूनिक और 2021 में ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक नेक डिज़ाइन और हर किसी की पसंद है। ये हमारे पास शर्ट है और इसके ऊपर हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमने पेपर पट्टी ली है और इसके ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। टोटल जो हम इसकी लेंथ रखेंगे वो हमारे पास है 7 इंचेस। बिल्कुल आप इसको फॉलो करते हुए कटिंग करें। 3.5 इंचेस पे भी आप निशान लगा लें और इसकी विड्थ में भी आप 3.5 इंचेस का गैप देते हुए निशान लगाएं। निशान को आप आपस में अटैच कर लें। ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं इनके ऊपर, इन दोनों को मैंने आपस में मैच कर लिया है। अब यहाँ से इस कोने से लेके यहाँ तक तकरीबन 1/2 इंचेस का आप निशान देते हुए यहाँ से आप गोलाई कर लें। ये हमारा गोल ऊपर की तरफ से नेक बन चुका है। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे 1/1 इंचेस का गैप देते हुए बस आपने ये इसको जो पेपर पट्टी को साइड पे जो कट करते हैं वो आपने कट करना है, इसका हल्का सा निशान लगाते हुए। जितना भी हमारी गले की गोल शेप है उतना आपने निशान लगा लेना है। यहाँ से आपने हल्का सा तिरछी से एक लाइन लगा लेनी है और यहीं से आपने गोल बूंद सी बना लेनी है इस तरह से। अगर आपको ये चौड़ी लगे तो आप कटिंग के दौरान थोड़ी सी हल्की कट भी कर सकते हैं। इसको कटिंग करके दिखा देते हैं। बाहरी साइड से सारी आप कटिंग कर लें। अंदर से भी कटिंग कर लें। ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी वहां से भी कटिंग कर लेंगे और नीचे वाली जो बूंद साइड है मैंने थोड़ी सी अंदर की साइड पे कटिंग की है। तो ये देखें इस तरह से ये हमारे नेक बन गया। आप दरमियान वाली साइड आपको चौड़ी लग रही है, यहाँ पे हम अलग से पट्टी लगाएंगे। जो हमने दरमियान से पेपर पट्टी को कट किया था उसी को ही थोड़ा सा बारीक करने के बाद इस तरह से इस शेप में आप रखें। ये देखें यहाँ पे दोनों पट्टियाँ आएंगी। अब यहाँ से इसकी हल्की सी मैंने कटिंग करके इसको गोलाई में कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब जो एक नेक है पट्टियाँ हटा के तो हमने इसको वो कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है। साइड से कपड़े को फोल्ड करके आयरन की मदद से यहाँ पे मैं इसकी साइड पे सारी सिलाई लगा के इसको बंद कर दूँगी। आप इस तरह से घुमाते जाएँ उसकी सारी कपड़े पे सिलाई लगा लें ताकि ये कपड़ा सही से अंदर की साइड पे फिट हो जाए। सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाली पट्टियाँ थीं उसको डबल कपड़े के ऊपर इस तरह से आपने रखना है और कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद हमने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फालतू कपड़े को कट कर दें। आपने दोनों साइड से कपड़े को कट नहीं करना बल्कि सिर्फ एक साइड से कपड़े को कट करना है। इसको पलट के मैं आपको दिखा देती हूँ।
हल्के हल्के कट के निशान लगा लें। के बाद इसको यहाँ से पलट लेंगे। तो ये हमारा इस शेप में आ चुका है। अब फालतू कपड़ा कट करने के लिए आप इसके इस तरह से किनारों पे निशान लगा लें पेंसिल चौक की मदद से, जितनी आपकी पेपर पट्टी है उसके हिसाब से आप निशान लगाते जाएं। और ये इस तरह से इतना इतना हमारा आ जाएगा। नेक को कमीज की फ्रंट साइड पे पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसकी मिड में सिलाई लगा लें। दरमियान में सिलाई लगाने के बाद इर्द गिर्द सिलाई लगाएं ताकि आपका जो नेक है वो अच्छी तरह से कमीज के ऊपर पेस्ट हो जाए। ये हमने कमीज के ऊपर नेक को पेस्ट कर लिया है और फालतू कपड़े को हम कट कर लेंगे। फालतू कपड़े को कट करने के बाद हमने इसको पलट लिया है और आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। ये देखें, ये शेप में आ चुका है। ये हमारी बैक साइड है कमीज की और ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड। ये देखें, अब हम यहाँ पे अपने जो बकाया है डिज़ाइन वो करेंगे। ये हमने जो साइड पे पेपर पट्टी के ऊपर जो पट्टियाँ काटी थी उसको हम यहाँ पे रख के तो सिलाई लगाएंगे। आपने जो निशान लगाया था आप उसी के ऊपर सिलाई लगाएं। अगर आपको ये पेपर पट्टी ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा पेपर पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। ये हमारा लग चुका है और यहाँ से आप नीचे की तरफ सारी सिलाई लगाते हैं। इसी तरह यहाँ से आपने सिलाई को निकालना नहीं बल्कि इसी तरह से आपने सिलाई लगाते हुए इसकी दूसरी पट्टी भी लगा देनी है। अब यहाँ पे हमने डोरी की मदद से एक छोटा सा कुंडा सा बनाया और ये हमने एक मोती लगाएंगे और यहीं पे हमारा मोती अटैच होगा और हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक स्टाइल आप भी इस तरह से बनाएं और हम और बिल्कुल सिंपल नेक डिज़ाइन है। आप अपनी लॉन की शर्ट पे, लिनन की शर्ट पे, कॉटन की शर्ट पे इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल शर्ट पे भी आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये नेक डिज़ाइन, ज़रूर अपनी राय से हमें नवाजें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। देखते रहें स्टिचिंग एंड कटिंग।